हाय स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोब्स चैप्टर करेंगे। जैसे कि आपके पांच चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, एचएसडी से पहले मैं माइक्रोब्स करा रही हूँ क्योंकि मैंने इवोल्यूशनल एचएसडी ये सॉरी इवोल्यूशनल माइक्रोब्स मैंने साथ में अपलोड कर रही हूँ मैं, तो मेरे को लगा थोड़ा सा एचएसडी डिटेल चैप्टर है तो इसके बाद कर दूँगी। दोनों चैप्टर आप जल्दी जल्दी कर लोगे क्योंकि, और क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते रहना इसकी एनसीईआरटी बेस्ड। और आपको जो भी डाउट्स आ रहे हों रिगार्डिंग द चैप्टर्स आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगी। और अगर आपको किसी दिन लाइव सेशन चाहिए हो रिगार्डिंग द चैप्टर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोई डाउट वगैरह का, तो आप मुझे वो भी बता देना लिख के, हम वो भी डाउट सेशन का भी देख लेंगे, किस दिन लाइव रख लेंगे कर लेंगे उस दिन। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और आसान भी है, बस कुछ चीज़ें आपको एक दो पेजेस पर ध्यान रखनी है। जनरली उन्हीं एक दो पेजेस से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो बहुत आसान सा हो जाएगा, आसानी से, आप चिंता मत करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर। आज कहाँ क्या पढ़ेंगे हम? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या माइक्रोब्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। चलो, बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। यू हैव स्टडीड अबाउट द डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th। डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, तुमको पता होगा, तुम पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तुमने पढ़ रखा है, तुमको पता बता दो कहाँ से होते हैं, मोनेरा से होते हैं, प्रोटिस्टा से होते हैं, फंजाई से होते हैं, एनिमलिया से होते हैं, प्लांटी से होते हैं, तुम बता देना। चलो ठीक है, कमेंट में बता देना कहाँ से होते हैं। चलो, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इन साइड आवर बॉडीज, दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, साइट सच एज डीप इन साइड द गीजर्स थर्मल वेंट्स, वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 degrees Celsius, डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट्स। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट, वायरसेस, वीरोइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट्स। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 8.1 एंड 8.2। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eye. Such cultures are useful in studies on microorganisms. ये बहुत important diagrams हैं, हम इन पर आएंगे chapter end पर, क्योंकि इनसे भी question frame होने के बहुत chances हैं। We'll come to this later, अभी चलते हैं हम उस पर। In chapter 7, you have read the microbes cause a large number of diseases in human beings, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है हमने। They also cause diseases in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. Microbes in household products. ठीक है? You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk, dahi. ठीक है? Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it to curd. During growth, the lab produce acid that coagulate and partially digest the milk proteins. Okay? A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab, which at suitable temperature multiply this converting milk to product. Milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. In our stomach too, the lab play a very beneficial role in checking the disease-causing microorganisms. सबने देखा होगा, अगर आपको कोई आई पावर एंटीबायोटिक मिलती है, कभी आप बीमार होते हैं तो खाने के लिए, तो आपको साथ में लैक्टोबैसिलस या विजिलैक जैसी कोई दवाई मिलती है जो रिच इन गट बैक्टीरियाज होती है, ताकि वो आपके गुड बैक्टीरिया का प्रोडक्शन वापस कर दे, जो कि एंटीबायोटिक से अगर कुछ कुछ किलो जाते हैं तो। ठीक है, चलो। The dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. Can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2? Where do you think the bacteria for these fermentations come from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast Saccharomyces cerevisiae. Okay? A number of traditional drinks and food are also made by fermentation by the microbes. Up toddy. इसको नाम आपको ध्यान में रखा। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज्ड।
डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाई देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्चर फ्लेवर एंड टेस्ट द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई अ बैक्टीरियम नेम्ड एज प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मयानी ठीक है द रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाई द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर ठीक है 8.2 माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स ये देखो हमारे फर्मेंटर्स हैं फर्मेंटेशन प्लांट है ये पूरा 8.2.1 फर्मेंटेड बेवरेजेस माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन बियर विस्की ब्रांडी और रम फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई यूज्ड फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रियर्स ईस्ट कॉम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं हमने पढ़ा अभी इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल बाई ईस्ट तुमने उसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा होगा ठीक है हम पढ़ेंगे 11th जब कवर करना शुरू करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन तुमको याद रखना है कौन से डिस्टिलेशन से होती है कौन से विदाउट डिस्टिलेशन होती है ठीक है वेयर इज विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर 8.5 हम देख चुके हैं ये देखो ये तुम्हारा फर्मेंटर और ये तुम्हारा फर्मेंटेशन प्लांट ठीक है एंटीबायोटिक्स 8.2.2 एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया है उसके लाइफ के अगेंस्ट ना कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट बनना एंटीबायोटिक हम खाएंगे जब मरने के लिए हम खाएंगे ठीक है वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग दे आर अ प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट वही बात हो गई ठीक है एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाई सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी अचानक से गलती से हो गया था कुछ काम कर रहे थे उसमें पेनिसिलिन बन गया किससे बना था पेनिसिलियम नोडेटम से बना था ठीक है मतलब जो पेनिसिलिन जिससे वो करी गई थी एक्सट्रैक्ट करी गई थी द स्पीशीज वॉज पेनिसिलिन नोडेटम चलो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है इसमें तो लिखा भी नहीं है क्या लिखा है हाँ लिखा तो है चलो सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन द स्टेफिलाकॉकी बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलाकॉकी कुड नॉट ग्रो ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाई द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाई अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी और इन तीनों को सेवन नोबेल प्राइज दिया गया था दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वोंडेड इन वर्ल्ड वॉर टू फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी वेयर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर द डिस्कवरी आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज देख लेना एक आधा एंटीबायोटिक तुम खाए भी होगे कई सारे एंटीबायोटिक अभी तक तो एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लैग हुपिंग कफ यानी कि काली खांसी टिप्थेरिया गाल गोटू क्या बोलते हैं हिंदी में को अच्छे से गाल गोटू सब बोलते हैं ठीक है चलो एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब टूडे वी कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द एंटीबायोटिक्स 8.2.3 केमिकल्स एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स एल्कोहल्स एंड एंजाइम्स एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड आर एस्परजिलस निगर अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है इसका एसिटिक एसिड बनाता है क्लॉस्ट्रिडियम बुटेलिकम एक बैक्टीरिया है वो भी और वो बिट्रिक एसिड बनाता है और लैक्टोबैसिलस तुम तो देख ले लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया ठीक है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल ये भी हमने अभी पढ़ा माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द
लॉन्ड्री इस सब के, ये देखो ये पर्टिकुलर जो है ना पैराग्राफ, ये सेक्शन, ये तुमको याद ही रखना है, इसमें से कुछ मत भूलना। ये फेवरेट पार्ट होता है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, तुमको एक ना एक तो दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। तुम घर पे एप्पल का जूस निकालो तो तुमको देखिए बहुत ही डार्क कलर आएगा, ठीक है, रेदर देन जो हम मार्केट से रियल फ्रूट जूस है कोई भी जूस लेके आते हैं वो बहुत एकदम लाइटली से ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सा होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटीज से। ठीक है, अब देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस, क्या था? बैक्टीरिया था, ठीक है, उससे बनाया गया है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है, तुमको ये भी ध्यान रखना है इसमें। एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ठीक है, फिर स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाई द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन कॉमर्शलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इट एक्ट्स बाई कम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब तीन इंपॉर्टेंट तुमने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा? तुमने स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि बैक्टीरिया से बनता है, कौन सा? स्ट्रेप्टोकॉकस है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो जाते हैं पेशेंट्स को दिया जाता है क्योंकि ये क्लॉट बस्टर होता है। फिर तुम्हारा दूसरा साइक्लोस्पोरिन है, वो तुम्हारा बनता है किससे? फंगस से बनता है ना, हाँ फंगस से बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, जो वो क्या तुम्हारा इम्यूनो सप्रेसिव हो गया। फिर तुम्हारा स्टैटिंस, स्टैटिंस तुम्हारा यीस्ट से बनता है, कौन सा? मोनास्कस परप्यूरियस से, वो तुम्हारा क्या कहता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, ये सब तुमको ध्यान में रखना है, और कौन सा बैक्टीरिया है या क्या है जो तुम्हारा, क्या फंगस है, तुम्हारा कौन सा एसिड बना रहा है, वो सब भी तुमको ध्यान रखना है। चलो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इन ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ह्यूमन एक्सक्रीटा सॉरी दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज ऑफ डेली? दिस कैनॉट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सबकी लाइफ, मतलब क्या हो जाएगी, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, और ये पानी को गंदा कर देगा, एकदम ही पानी किसी लायक नहीं बचेगा। ठीक है, जो यमुना का हाल है दिल्ली में, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, चलो, बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड इन टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाई द हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस। पहला होता है तुम्हारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट ऑफ स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाई सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, देन द ग्रिट जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाई सेडिमेंटेशन। दो स्टेप होता है इसका। ठीक है, एक तो मतलब सेकेंड वाला सेडिमेंटेशन होता है और पहला वाला तुम फिल्टर करते होते हो। ठीक है, जो लार्ज ऐसे डेब्रिस जो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसको तुम फिल्ट्रेशन से निकाल लिए, फिर जो छोटा छोटा जो सब सॉइल और क्ले और ये जो छोटे छोटे पत्थर है पेबल्स वगैरह जो भी हैं उनको तुम करने के लिए रिमूव करने के लिए क्या करोगे? तुम सेडिमेंट करोगे। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हो गया। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दो स्टेप हो, आसान आसान वाला जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनको फटाफट फटाफट निकालने के लिए। ठीक है, ऑल सॉलिड्स आर दैट सेटल फ्रॉम फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म इज द इफ्लुएंट। ठीक है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होती है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी। देखो बीओडी कम रहना जरूरी है ना, अगर बीओडी ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। उनका जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ता है? जब उसमें जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनका डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाएगा तो एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ कैसे होगी? वो ज़्यादा ऑक्सीजन वही नहीं ले पाएंगे क्योंकि बाकी सब ऑर्गेनिक मैटर्स में भी लग जा रहा है ऑक्सीजन। तो बीओडी अगर लो रहे मतलब वो अच्छी चीज़ है। ठीक है,
BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus, indirectly, BOD is a measure of the organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential, obviously. ठीक है? Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. Here, other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. ये तुमको याद रखना है कौन-कौन सी गैस वो produce कर रहा है, ठीक है? These gases form biogas, यानी कि biogas का alone component methane नहीं होता है, उसके साथ साथ hydrogen sulfide भी रहता है और carbon dioxide भी होता है, ये भी question आता है, तो तुम इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? And can be used as a source of energy as it's inflammable, ठीक है? The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. An aerial view of such a plant is shown in figure 8.7. ये देखो सीवेज प्लांट ऐसा दिखता है, ठीक है? चलो, you can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater, every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now, in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of the sewage. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. So, the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases. The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. A visit to sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. मैंने तो घूमा ना घूम के देखा ना घर के आसपास है तो वैसे घर के आसपास तो होता नहीं है, ठीक है? चलो 8.4 टाइम पर टाइम भी नहीं है इतना, चुपचाप बैठ के पढ़ लो, रट लो, खाली एनसीईआरटी और लिख के आ जाओ, अभी फिलहाल तो वही काम है तुम्हारा. 8.4 माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane, ठीक है, produced by the microbial activity and which may be used as fuel. You have learned that microbes produce different types of gaseous and products during the growth and metabolism. The type of gas produced depends upon the microbes and the organic substrate they utilize. In the example, cited in the relation to fermentation of dough, cheese, making and production of beverages, the main gas produced was CO2. Okay? However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens, and such common bacteria is Methanobacterium. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, a part of the stomach of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Do you think we human beings are able to digest the cellulose present in our food? Batao. Thus, the excreta of cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria. Okay? Dung can be used for generation of biogas, commonly called gobar gas. The biogas plant consists of a concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio wastes are collected and a slurry of dung is fed. A floating cover placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses.
द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर. ठीक है. कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज फॉर अ वराइटी ऑफ पर्पजेज. सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफ एन बिल्ट इन रूरल एरियाज. तो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो. ठीक है. जहाँ पे ज़्यादा गोबर होगा वहीं तो काम कर पाओगे. तो कहाँ पे प्लांट सेट होगा वहीं पे होगा. ये देखो तुम्हारा प्लांट दे भी रखा है, डंग वाटर इधर सप्लाई हो रहा है, फिर इधर से तुम्हारा गैस प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए ये राइज करेगा इसका लेवल और जो भी ऐसे स्लज है वो इधर चला जाएगा और ये गैस होल्डर है. ठीक है. और यहाँ से गैस निकल रही है. ठीक है चलो. द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 8.8. हमने देख लिया. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute IARI and Khadi and Village Industry Commission KVIC. If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire blah blah blah. It's not important. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it. Okay. 8.5 microbes as biocontrol agents. Now we are coming to the end of the chapter. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, groundwater, etc., fruits, vegetables and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds. ठीक है. Biological control of pests and diseases. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety of a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at a manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. मतलब तुम समझ गए होगे ऑर्गेनिक फार्मर क्या चाहता है कि वो पेस्टिसाइड ना छिड़के फट जो तुम्हारा केमिकल है. ठीक है. उससे क्या होगा, एक तो प्लांट्स में भी तुम मतलब जो होता है ज़्यादा फर्टिलाइजर ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. दूसरा ये तो मैंने डिशम रहता लिखा नहीं था अभी उसमें. और दूसरा क्या कहते हैं, अब हम अगर फर्टिलाइजर वगैरह केमिकल्स वगैरह डाल के करेंगे तो क्या होगा, जो गुड बैक्टीरिया हैं जो अच्छे और बुरे दोनों माइक्रोब से दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे और उससे क्या होगा, खराबी होनी है. तो उसने कि उस ऑर्गेनिक फार्मर के लिए क्या मतलब, जब बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, मतलब जितनी तुम्हारी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना तुम्हारा अच्छा हेल्थ होगा. ठीक है. वो तुम्हारे हेल्थ के प्रोपोर्शनल है. इसलिए एक चेक रखते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अगर तुम्हारे जो पेस्ट्स हैं उनको चेक देने वाले भी ऑर्गेनिज्म्स हैं जो उनको कंट्रोल करके रख सके एक मैनेजेबल लिमिट में. दैट इज़ ज़्यादा बेटर आइडिया रेदर देन हर जगह छिड़काव कर दो पेस्टिसाइड्स का और खाना भी खराब कर दो. ठीक है. आगे चलते हैं. द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटर एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ऑब्वियसली जब खाना नहीं रहेगा तो मर तो जाएंगे ही वो भी जो उनके प्रेडेटर्स हैं. सॉरी. द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, patterns of feeding and the habitat that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes, ठीक है? Respectively. यानि कि ladybird एफिड खत्म करता है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को पड़ा देती है. डिस्काउंट. चलो आगे चलते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस. इसको हम उसमें भी पढ़ेंगे. ऑफन रिजेनस बीटी उसमें बायोटेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी यूज है. कैसे करता है आगे पढ़ना. चलो. दीज आर अवेलेबल इन सैशे एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज
ब्रैसिकास एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा. ठीक है, इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड. द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थुरिंजिएंसिस टॉक्सिन जीन्स इन टू द प्लांट. सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाई इंसेक्ट पेस्ट्स. ठीक है, बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तुम्हारे उसमें. ठीक है, विच इज बींग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10. अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बींग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा इज स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई. ठीक है, दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम. दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस. बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स. ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द बैक्यूलोवायरस यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. ठीक है, कौन से जीनस में आते हैं वो भी ध्यान रखना. दीज वायरसेस आर एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड मैमल बर्ड्स फिशेस और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स. ठीक है, दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड. तब हम बैक्टीरियोवायरस का यूज करते हैं. ठीक है, 8.6 माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. विदाउट प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन. ऑफकोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देर आर ऑल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. The use of biofertilizers. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main sources of biofertilizers are the bacteria, fungi, cyanobacteria. We have studied about the nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic associations of rhizobium. अब तो chapter कट गया तुम्हारा mineral nutrition, उसमें था ये detail में कैसे होता है. ठीक है, चलो. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example, Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. ये सब तुमको ध्यान में रखना है. ये भी थोड़ा सा वैसा evolution जैसा ही chapter है कि तुमको factual chapter है तो तुमको रट रट के काम चलाना है इसमें. रट लो आराम से, फिर questions में सही करो. question में गलत करोगे तो वैसे भी उसको doubt copy में लिखोगे तो वो रट जाएगी चीज़ें. बस वहाँ पे +4 लेके आ जाना एग्जाम में और कुछ नहीं मतलब है. ठीक है, एक साल की मेहनत है बस. अब फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स. माइकोराइजा. अच्छा, माइकोराइजा किस में बनता है बताना हमको. प्लांट किंगडम में पढ़ रखा होगा ना तुमने किस साथ एसोसिएशन होता है वो. मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. द फंगस सिम्बियोंट इन दीज एसोसिएशन अब्सॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉयल एंड पास टू द प्लांट. क्या अब्सॉर्ब करता है? फॉस्फोरस. ये भी ध्यान में रखना. ठीक है, Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development. ठीक है, can you tell what advantage the fungus derived from this association? बताओ fungus क्या करता है, derive क्या करेगा plant में से, comment करके बताना तुम. चलो, cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example, Anabina, Nostoc, Oscillatoria, etc. In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently, in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. Now, we are coming to the end. थोड़ा सा समरी रह गया, वो खत्म करते हैं. ओके, माइक्रोब्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक. मेनी माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियली डराइव प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे. बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब ग्रो इन मिल्क टू कन्वर्ट इट इन टू कर्ड.
द डो विच इज यूज टू मेक ब्रेड इज फर्टिलाइज बाई ईस्ट कॉल सैक्रोमाइसिस सर्वेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रियर्स ईस्ट भी बोलते हैं और बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. सर्टेन डिशेज सच एज इडली एंड डोसा आर मेड फ्रॉम डो फर्मेंटेड बाई माइक्रोब्स. क्यों, उसमें फर्मेंटेशन के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है उसमें बताना, तुम अभी पढ़ के आए हो. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू इम्पार्ट पर्टिकुलर टेक्स्चर टेस्ट एंड फ्लेवर टू चीज. माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड एल्कोहल. अब बताओ स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस था, और कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है, तुम कौन सा ईस्ट है और उसके फंक्शंस क्या हैं, सब तुमको याद होने चाहिए. विच आर यूज इन अ वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्री. एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय यूजफुल माइक्रोब्स आर यूज्ड टू किल डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स. एंटीबायोटिक्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड निमोनिया. फॉर मोर देन 100 ईयर्स माइक्रोब्स आर बीइंग यूज्ड टू ट्रीट सीवेज by the process of activated sludge formation and this helps in recycling of water in nature. Methanogens produce methane yani ki biogas while degrading. Methane usme kya hota hai, dominant hota hai, theek hai. Baki usme aur kya kya hota hai, tum padh ke aaye the, H2S hota hai, carbon dioxide hota hai aur kya hota hai, ye bas itna hi hota hai, yaad rakhna hai tumko sab kuch, theek hai. Biogas produced by microbes is used as a source of energy in rural areas. Microbes can also be used to kill harmful pests. A process called as biocontrol. Okay. The biocontrol measures help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling pests. There is a need these days to push for use of biofertilizers in place of chemical fertilizers. It is clear from the diverse uses of human beings have put microbes that they play an important role in the welfare of human society. Yahan pe toh chapter ho gaya khatam. और अब तुम इसको रिवाइज कर लेना एक बार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको भूल रही होंगी उनको एक बार और रिकॉल कर लेना, क्वेश्चंस लगाना है ताकि तुम गलत करोगे तो तुमको याद जाएगा, उसको डाउट कॉपी पर लिख लेना जो कि मैंने अपने उस वीडियो में बता रखा था कि 360/360 तुम कैसे स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में, ठीक है. अगर तुमने अभी चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट, तुमको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, आई अश्योर यू दैट, ठीक है. चलो अच्छे से पढ़ो.